क्या आप जानते हैं बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए 3 पिन प्लग सिंक यूज होते हैं और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए 2 पिन प्लग सिंक यूज होते हैं। 3 पिन में जो ऊपर वाली पिन होती है वो बाकी 2 पिन से थोड़ी लंबी और मोटी होती है। और ये क्यों होता है? दरअसल ये लंबी पिन अर्थिंग पिन होती है, जिससे अगर मेटल बॉडी में कोई लीकर करंट होता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थिंग पिन सबसे पहले सॉकेट में इंसर्ट होती है, उसके बाद बाकी के 2 पिन, जिससे वो पहले ही इंसुलेशन फेलियर रिस्क भी कम हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डिवाइसेस लो करंट पर ऑपरेट होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, चार्जर, टीवी, डीवीडी, इन डिवाइसेस के लिए 2 पिन प्लग से यूज होते हैं, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है और पहले से ही इन 2 पिन में डबल इंसुलेशन होने की वजह से इन्हें अर्थिंग पिन की कोई जरूरत नहीं होती।